दांतों की हर बीमारी के लिए मेरठ का आधुनिकतम और उच्च तकनीक वाला क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मूर्ति हॉस्पिटल चौराहा मेरठ। मवाना के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में आज उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब कई छात्राएं बेहोश होकर गिर गईं। बताया गया कि सुबह स्कूल की पकौड़ियाँ खाने से उनकी तबीयत बिगड़ी है। आनंद फानन में ही करीब 90 छात्राओं को मवाने के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से कुछ छात्राओं को तबीयत ज्यादा खराब होने पर मेरठ रेफर कर दिया गया। हालांकि चिकित्सकों का यह मत है कि संभवतः गर्मी के कारण ऐसा हो सकता है। इस दौरान एक पीड़ित छात्रा ने यह कहा। क्या खाया था आपने? यहीं पर। अच्छा, आपके कोई मैम का यही है यहाँ से जो ट्रांसफर हुआ, जो प्रमोशन हुआ, उसका कुछ दुख हुआ कहेगा आपको? क्या हुआ है? अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या नाम था मैम का? अच्छा, बाकी टीचर आप प्यार नहीं करते आप? ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवाना के चिकित्सक ने यह जानकारी दी। देखिए, सुबह लगभग 10 बजे के बाद से हमारे पास दो बच्ची आई थी जिनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो फर्स्ट एड देने के बाद हमसे यहाँ जितना हो सकता था हमने उसको मैनेज किया। उसके बाद हमने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन वहाँ से अभी पता चला है कि वो भी बच्चियाँ ठीक हैं बिल्कुल। और उसके बाद हमारे पास लगभग 8 बच्चियाँ आई हैं जिसमें से दो अभी भी थोड़ी सी क्रिटिकल हैं। हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि हमारे पास मैनेज नहीं हो पाएगा तो हम उन्हें आगे भेज देंगे, रेफर कर देंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो आ रही है चिकित्सकों की कमी है। अभी हाल ही में जो ट्रांसफर हुए हैं हमारे यहाँ से 4 चिकित्सकों के ट्रांसफर हो गए और एक ही उनके बदले आए हैं। तो इनकी तकलीफ क्या निकल के आ रही है सर, क्या किस वजह से हुआ है उस लड़की से? जैसा समझ में आ रहा है पैनिक अटैक है, या सुबह बता रहे हैं कि उन्होंने पकौड़ी खाई है। अब उसका तो जाँच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फूड पॉइजनिंग जैसा लग रहा है, हल्के लक्षण है। लेकिन इनकी जो मैडम है वो ये कह रही है कि इनकी वार्डन मैम का ट्रांसफ़र हुआ है, बच्चे उनके साथ बहुत लगाव रखते थे, उसकी वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। लेकिन एक साथ इतने बड़े पैमाने पे बच्चों की तबीयत बिगड़ना थोड़ा सा उससे कम ही लगता है कि वैसा नहीं हो पाएगा। स्कूल बराबर में आपके बराबर में कब तक यहाँ पर रूटीन चेकअप के लिए आते हैं बच्चे या नहीं आते? सर, हमारी टीमें ही हर महीने और हर हफ्ते RBSK की जो टीमें होती हैं वो जांच के लिए जाती हैं, और बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो इनके यहाँ के जो कर्मचारी हैं या मैडम हैं अक्सर कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे पास लेके आते रहते हैं। तो सीसी प्रभारी, आप प्रथम दृष्टा क्या दिखाई दे रहा है इसमें, कि नास्ते की खाने की वजह से हुआ या उनके जो मैडम की उनकी? गर्मी है, मौसम बहुत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है, अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं इस बारे में BSA योगेंद्र कुमार ने यह बताया। ये अभी मेरे को कुछ समय पहले सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ बच्चियाँ बीमार हो गई हैं, तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पे। तो मैंने कस्तूरबा विद्यालय में भी गया था, तो सर में दर्द की शिकायत बता रही हैं बच्चियाँ, तो शायद गर्मी की वजह से है, और जो थोड़ा सा वैसा ज़्यादा परेशान महसूस हो रही थी तो उनको यहाँ पे PSC में ले आए हैं, डॉक्टर साहब की निगरानी में हैं। तो अभी जैसा कि आप लोग भी थे तो डॉक्टर साहब कह रहे थे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएंगी। एक थोड़ी सी बच्ची ज़्यादा प्रॉब्लम में थी तो उसको हमने मेरठ रेफ़र कर दिया है प्यारेलाल अस्पताल में, तो वहाँ भी सूचना मिली कि वो ठीक है। टोटल कितनी बच्चियाँ यहाँ पे अभी आज के टाइम 90 बच्चियाँ हैं यहाँ पर जो बीमार पड़ी हुई हैं। वो 11 तो वहाँ पे हैं जो बता रही थी कि सर में दर्द हो रहा, 4 यहाँ पे हैं, तो 15 हैं सारे टोटल है। क्या कारण निकल के आ रहा सर? सर इसमें यही अभी तो जो मेरे को लग रहा है कि गर्मी की वजह से बीमार हैं। थोड़ा फूड का भी, खाने का भी, जो सुबह इन्होंने चाय और पकौड़ी का नाश्ता किया था तो उसका भी सैंपल हमने रख लिया है। अभी हमने फूड सेफ्टी वालों को बुलवाया है, उसका भी सैंपल देंगे, तब जांच में आ पाएगा कि क्या है, कहीं फूड पॉइजन की वजह से तो नहीं हुआ है। जैसे मुझे तो जहां तक लग रहा है कि ये गर्मी की वजह से ज़्यादा है। एक बेड, एक रूम में 32 बच्चियां रहती हैं, बेड कम हैं और उसमें फैन भी की सुविधा भी कम है, नहीं यहाँ तो पहले भी आया था तो यहाँ पे पूरा हाल है बच्चियों के लिए, तो जो मानक के हिसाब से है तो वो तो हमारे पास पूरी व्यवस्था है,
शायद गर्मी ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा सा परेशान हो गए बच्चे। तो इन्वर्टर वगैरह से लगा हुआ? हाँ, इन्वर्टर लगा हुआ, जनरेटर भी है हमारे यहाँ। कितनी बार यहाँ पे बिजली जाने के बाद में जो इन्वर्टर चलता है और पंखे लगे हुए हैं? हाँ, और पर्याप्त मात्रा में जितने ज़रूरत होते हैं सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा चाय और कॉफ़ी ली थी, वो पकौड़ी ली थी और दाल और रोटी खाने के बाद में ये ए चाय पकौड़ी का तो मुझे भी बताया था, तो उसका सैंपल रख लिया है। मैं आपको पहले भी बताया था, फूड सेफ्टी ऑफिसर आ रहा है तो उसका सैंपल लेके जा। और एक टीचर का ट्रांसफर हुआ, उसके इमोशनल को लेकर बच्चे रोए थे कल? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, चूँकि यहाँ पर दूसरी जगह कस्तूरबा में गई हैं तो वहाँ से उनकी जगह दूसरा आ गया है टीचर, तो ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता होना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।